हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल केंद्र के प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैप की प्रैक्टिस विद एमसीक्यूज। तो आज जो टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू वो है इंडियन स्टेट्स जो अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं भूटान के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को भी रेफर करें, क्योंकि जब अब हम एमसीक्यू देखेंगे तब आपको रियलाइज्ड होगा कि आपको सारे मैप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने शॉर्टकट और ट्रिक्स की हमेशा डिमांड करते रहते हैं उनके लिए कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दी हार्ड वर्क। ठीक है, शॉर्टकट यहाँ बना लोगे एग्जाम हॉल में फंस जाओगे, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, घर पर बैठ के शॉर्टकट्स का इन्वेंशन नहीं करना है। सो ये प्रूवन टेक्निक है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मैप्स की लर्निंग करनी चाहिए और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। तो अगर आपको भी लगे कि आपको बेनिफिट कर रहा है, आपको पसंद आ रहा है, आपको सूट कर रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे और इसको मैक्सिमम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इंडिया और भूटान को सबकॉन्शियसली इस मैप को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बहुत सारे एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने मैप रखा है इंडिया और भूटान का, हम देखेंगे मैप। आपको दिख रहा होगा सामने भूटान। ठीक है, अब हम देखेंगे भूटान के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स जो हैं बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। एक है आपका सिक्किम जिसका कैपिटल है गैंगटॉक, दूसरा ये इस वजह से आपका वेस्ट बंगाल जिसका कैपिटल है कोलकाता, एंड नेक्स्ट जो है वो है असम जिसका कैपिटल है दिसपुर, एंड द लास्ट इज़ द अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल है इटानगर। ठीक है, तो एक देखो चांद लग रहा है ना, चांद के शेप पे सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कुछ सेकंड, आप अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसको अभी प्रैक्टिस करिए, आइज खोल के फ्यू 2 से 3 सेकंड तक आप इस मैप को बिल्कुल ध्यान से घूरिए और मन में रीड करिए कि कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ टच कर रहा है, फिर आइज क्लोज करके उसे 2 से 3 सेकंड बाद सेम वे में रिविजन करिए। रिविजन का ट्रिक है, एक ही तरीके से आपको रिवीजन करना है, ये नहीं कि आज एक मैप उठा लिया कल दीवार पे चिपका दे, वो कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको एक ही वे में रटना है। और जब जितने दिन बीतते चले जाएंगे आप वीडियो को स्पीड करते जाइए अपने रिवीजन के लिए, ताकि आपका क्विकली कोर्स कवर हो जाए। ठीक है, सो मैं कुछ सेकेंड पॉज होती हूँ, आप प्लीज़ इस मैप को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक बार आइज ओपन करके फिर आइज क्लोज करके। सो आई होप आपने इस मैप को बड़े ध्यान से देख लिया और इस मैप की पूरी पिक्चर अपने आइज में सेट कर ली होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखने जाते हैं कि किस स्टेट ने कितने किलोमीटर्स या कितनी एरिया शेयर की है भूटान के साथ। तो आपने मैप आई होप बिल्कुल ध्यान से देख लिया, बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे मैप को। ठीक है, आपको डिस्टेंस भी दिख रहा होगा, सिक्किम का आपको, वेस्ट बंगाल का दिख रहा है, असम भी दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किलोमीटर्स के फॉर्म में कितना शेयर हुआ है। सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर हुई है वो हुई है असम ने, की है 267 किलोमीटर्स, देन अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर्स, एंड देन वेस्ट बंगाल 183 किलोमीटर्स, एंड द लास्ट सिक्किम इस 32 किलोमीटर। तो देखो आपको एक बार डायग्राम से ही दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है असम है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा आपको असम दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं फिर से क्लोजअप कराती हूँ, ठीक है, फिर से एक बार आपको दिखाती हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो असम शेयर कर रहा है और सबसे कम एरिया जो है वो सिक्किम शेयर कर रहा है। ठीक है, और असम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश एंड देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि किलोमीटर वाइज में सबसे ज्यादा एरिया जो शेयर कर रहा है वो है असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम आसमान में, जबकि जहां ट्रिक होगी वहां ट्रिक नहीं है, ये मस्ती से याद करने वाले हैं, असम फिर अरुणाचल प्रदेश आसमान में। ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, उड़ रहे हैं, एंड देन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, तो छोटा ही है सिक्किम, तो बहुत छोटे से। ठीक है, सो असम, अरुणाचल प्रदेश,
West Bengal and Sikkim, these are the four states which sharing boundaries with the Bhutan. ठीक है, चांद का शेप है. ठीक है, अब दिल थाम के बैठे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज लेकर आ रहा है और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि और कितने एमसीक्यूज, या पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ इससे क्या एमसीक्यू बन सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं. उसके बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट रूट या लॉन्गेस्ट किलोमीटर बाउंड्री शेयर कर रहा है भूटान के साथ. थर्ड, आपका जैसे लॉन्गेस्ट है वैसे शॉर्टेस्ट हो सकता है. ठीक है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की ओर कैसे स्टेट्स आपके फॉल कर रहे हैं भूटान के साथ. ठीक है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट किलोमीटर्स के वाइज आपको अरेंज करना हो तो आप कैसे अरेंज करेंगे, क्या सीक्वेंस रहेगी जो इंडियन स्टेट से भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करी. तो आप देख रहे कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, और भी एमसीक्यूज बन सकते हैं. चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू हम आपके साथ अभी सॉल्व कर लेते हैं. आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैप को सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मेमोराइज करिए, क्योंकि ये प्रूवन टेक्निक है, ये आपको डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंटली मदद करेगी. बट खुद को चीट मत करिएगा, उसको बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करिए, सिंसियरली सेम वे में रिविजन करिए इस वीडियो के थ्रू, और जो वीडियो को फास्ट करके फटाफट आगे जितना नंबर ऑफ रिविजन बढ़ता जा रहा है इसको इसी से वीडियो को रिविजन करते जाइए. और अगर आपको बेनिफिट कर रहा है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना ताकि ये मैक्सिमम तक पहुँचे. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आपको पता है क्या है, कंसिस्टेंट रहना, परसिस्टेंट रहना, रेगुलरली पढ़ाई करना, दिन रात करना, हर रोज़ करना. मैं कह रही हूँ कछुआ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, बट लगातार चल रहा था, रुका नहीं था, तभी जीत गया. खरगोश ने ज़्यादा ही आराम फरमा लिया इसीलिए हार गया. तो आपको रोज़ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना रोज़ है. तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके व्यूज़ देखेंगे, हो सकता है एक दिन देखें, दो दिन देखें, फिर तीसरे दिन बुझ जाए, चौथे दिन देखें, पाँचवें दिन बुझ जाए, या एक हफ्ता देखें फिर एक महीना बुझ जाए. नहीं, आपको अगर सक्सेसफुल होना है वो आपको चूज़ करना है, आपको इसे रोज़ देखना है, रोज़ रिविजन करना है, रोज़ टॉपिक्स कवर करने हैं हर दिन. ठीक है, तो चलिए एमसीक्यूज़ देखते हैं. आपके सामने स्क्रीन में एमसीक्यू शेयर किया है. क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बाउंड्रीज विद भूटान. इसमें से जो इंडियन स्टेट्स हैं भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आइस क्लोज करते हैं और बिल्कुल मैप को देख लेते हैं कि भूटान कहाँ था. ठीक है, ये आपका है भूटान. ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे आया था आपका सिक्किम, ये आया था आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ आया था आपका असम, और इधर आया था आपका कहीं अरुणाचल प्रदेश. हो गया, ठीक. अब क्वेश्चन को मैं रीड करूँगी और कुछ सेकंड मैं पॉज करूँगी ताकि आप खुद कोशिश करें इसको समझने की और इसको सॉल्व करने की. इससे आपको रियलाइज़ होगा कि आपको, अगर आपने ये पहला वीडियो देखा तो आपको सारे वीडियोस देखने हैं, आपको सारे वीडियोस से कवर करना है. और मैं कह रही हूँ स्पीड करके कवर करो क्योंकि मुझे आपकी सक्सेस चाहिए. आप बिल्कुल आराम से मत देखो, बिल्कुल स्पीड कवर करने के बाद स्पीड करके रिवीजन करो. ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट है, भूटान शेयर बाउंड्रीज फ्रॉम ऑल साइड्स विद इंडियन स्टेट्स. सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश शेयर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विद भूटान. ठीक है, नेक्स्ट, All states share boundaries with Bhutan are part of seven sister states. And D, West Bengal is only state among states share boundary with Bhutan falls on Tropic of Cancer. So, chaliye solve kariye which is the correct answer. चलिए इतना समय काफ़ी था मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो अब हम देख लेते हैं. सबसे पहले बोला है भूटान शेयर बाउंड्रीज फ्रॉम ऑल साइड्स विद इंडियन स्टेट. नहीं, नॉर्थ से नहीं है. ठीक है, आपने नोटिस किया नॉर्थ से नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश शेयर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विद भूटान. ये तो आपका बिल्कुल फैक्ट है, जो अभी हमने पढ़ा है असम शेयर करता है, तो ये वैसे भी रॉन्ग हो गया. ठीक है, ये आपने मैप देखा होगा तभी रिकॉल कर पाओगे, कोई ट्रिक नहीं काम आने वाली है इस क्वेश्चन में. थर्ड, ऑल स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विद भूटान आर पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स. अब यहाँ पे आपको सेवन सिस्टर्स का मैप अगर याद होगा तो ही आप सॉल्व कर पाओगे. ठीक, तो सिक्किम अगर आपको याद हो तो वो सेवन सिस्टर्स का पार्ट
नहीं है, ठीक है, सिक्किम सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए पहला ये ऑप्शन गलत, लास्ट भी गलत हो सकता है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि बहुत स्टूडेंट देखते हैं ओनली यूज़ किया, चलो काट लो, ऐसे नहीं होता, यू हैव टू रीड दिस ऑप्शन केयरफुली, एग्जाम देने जा रहे हो मजाक नहीं करो, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट अमंग स्टेट शेयर बाउंड्री विद भूटान फॉल्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, येस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे केवल वेस्ट बंगाल ही फॉल करता है उन स्टेटों में जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करे, क्योंकि सिक्किम ऊपर है, असम और अरुणाचल प्रदेश भी ऊपर है, वेस्ट बंगाल नीचे तक स्प्रेड हो जाता है, इसलिए वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करते हैं। द आंसर इज डी। आई होप इस एमसीक्यू से आपको क्लियर हो गया हो कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर मैप को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा है और आप हर रोज पढ़ाई कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग, आप जितना दूसरों को मदद करेंगे आप खुद को मदद करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कई बार कई ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो शायद आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए, आपके दिमाग में न क्लिक हो, वो एग्ज़ाम हॉल में क्लिक हो, लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो हम क्या करते हैं उन क्वेश्चंस को कंपाइल करते हैं एक सिंगल वीडियो में, ताकि अगर ये किसी और का आज क्वेश्चन है तो हो सकता है वो कल आपका बने, इससे बेटर है कल आने से पहले आज ही उसको सॉल्व कर लेते। तो इसीलिए आप इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करें, अपनी मदद खुद करें, ठीक है। सो अपना ढेर सारा प्यार दे, उसको लाइक कर दे वीडियो को अगर पसंद आ गया हो, और नहीं पसंद आया ना तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस आइडियाज़ और ओपिनियन ज़रूर दें, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद जय भारत। लास्ट में एक बार मैं मैप छोड़ के जा रही हूँ, उसको ध्यान से देख लें फिर से, भूटान की पिक्चर अपने आँखों में बसा लें, कौन से स्टेट हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, मिलेंगे फिर से, जय हिंद जय भारत।